Good morning students, I am Smriti Kusai and today we are going to talk about chapter 10th of class 11, that is cell cycle and cell division. हमने previous video में बात कर ली थी कि cell division और cell cycle क्या होता है, उसके phases के बारे में हमने बात कर ली थी कि cell division के दो major phase होते हैं, intraphase और M phase यानी कि mitosis phase. इंट्राफेज के बारे में हमने बात कर ली, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. और हमने एक ड्राइंग की बात की जो मैंने आपको दिखाई, वो ड्राइंग आप अच्छे से कर लोगे तो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो उसमें हमने G1, S और G2 यानी कि इंट्राफेज के बारे में बात कर ली है. अब हम बात करेंगे आज M फेज की यानी कि मिटोसिस फेज की, जिसमें दो मेजर फेजिस है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. सबसे पहले सेल में क्या होता है, सेल में ग्रोथ होता है यानी कि इंट्राफेज होता है, देन कैरियोकाइनेसिस एंड देन साइटोकाइनेसिस. तो कैरियोकाइनेसिस के भी चार बेसिस फेज हैं. सबसे पहले आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. तो आज हम पहले बात करेंगे प्रोफेज के बारे में. प्रोफेज में क्या होता है, एस फेज एंड G2 फेज जो इंट्राफेज के लास्ट के जो दो फेजेस थे, इसके साथ ये प्रो फेज कनेक्ट होता है. इसमें क्या होता है, DNA सिर्फ और सिर्फ हमें धुंधला सा दिखाई देता है और हमें वो DNA होता है वो इंटरवाइंड दिखाई देता है. उसके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमें कैसे दिखाई देते हैं, इंटरवाइंड. उसके जो बीच में होता है सेंट्रोमियर, वो डिवाइड नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ हमें उसके क्रोमोसोम होते हैं वो इंटरवाइंड हमें दिखाई देते हैं. प्रोफेज विच इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ मिटोसिस फॉलो द एस एंड G2 फेजेस ऑफ इंटरफेस. इन द एस एंड G2 फेजेस द न्यू DNA मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड. क्या बोल रहे हैं ये कि DNA इसमें इंटरवाइंड ही होते हैं, रेप्लिकेट नहीं होते हैं. DNA मेड अप ऑफ सेंट्रोसोम एंड क्रोमोसोम. तो प्रोफेज में क्या होता है, इसकी ड्राइंग हम देखें तो ये यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक में दी गई है कि अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज. इसमें क्या होता है, जो अर्ली प्रोफेज है वो G2 और S फेज से कनेक्ट होता है. फिर लेट प्रोफेज में क्या होता है, DNA सिर्फ और सिर्फ इंटरवाइंड होते हैं, नहीं कि रेप्लिकेट होते हैं. ये अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना. देन आते हैं हम मेटाफेज पर. द कंप्लीट डिसइंटरग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप मेक्स द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ मिटोसिस. यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि सेकेंड स्टेज मेटाफेज में स्टार्ट होता है प्रोफेज ख़त्म होने के बाद. हेंस द क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल बाय दिस स्टेज. यहाँ पर क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऑपोजिट साइड मूव्ड होते हैं, यानी कि यहाँ पर चार हमें क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं मेटाफेज में. आपको ये ड्राइंग साइड में दी गई है टेक्स्ट बुक में, वो देख लो कि वहाँ पर क्या होता है मेटाफेज में, वो ऑपोजिट साइड पोल के मूव्ड होता है, उसे कहते हैं मेटाफेज. देन आते हैं एनाफेज में. एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज ईच क्रोमोसोम अरेंज एट द मेटाफेज प्लेट स्प्लिट सिमल्यूटेनियसली एंड द टू डॉटर क्रोमोटाइड्स. यहाँ पर क्या होता है, जो एनाफेज में होता है वो क्रोमोसोम क्या होता है, एक लाइन में सेट हो जाता है, एक लाइन में सेट हो जाता है और वो टू डॉटर सेल में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि टू डॉटर क्रोमोसोम में. यहाँ पर एनाफेज में टू क्रोमोसोम में डिवाइड होता है और ये दोनों साइड खींचे चले जाते हैं. देन आते हैं टेलोफेज में. द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस
द क्रोमोसोम दैट हैव रीच्ड देयर रिप्रेजेंटेटिव पोल्स, जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसके साइड में जो हमें पोल्स दिखाई दे रहे हैं, पोल्स किसे कहेंगे, तो पोल्स कहेंगे इससे। पोल्स के तरफ चले जाते हैं क्रोमोसोम, क्लस्टर एट ऑपोजिट स्प्लिंडर पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इट्स लोड्स देयर डिस्क्रेट एंड एलिमेंट्स। न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एट ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियाई। यहाँ पर लास्ट में क्या होता है, दो डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है। आपको यहाँ पर ड्राइंग दिखाई दे रही है, यहाँ पर क्या हुआ था, सबसे पहले हम प्रोफेज के बारे में बात करें तो उसमें क्या होता है, डीएनए सिर्फ और सिर्फ हमें इंटरवाइंड दिखाई दे रहे थे। फिर क्या हुआ मेटाफेज में, मेटाफेज में डीएनए होते हैं वो पोल्स की तरफ एट्रैक्टिव होते हैं और पोल्स की तरफ ऑपोजिट पोल में चले जाते हैं। देन आते हैं एनाफेज में, एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम होते हैं वो सेपरेट होते हैं एंड क्रोमेटाइड्स मूव टू ऑपोजिट पोल्स, वो होता है एनाफेज में। देन आते हैं टेलोफेज में, टेलोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम क्लस्टर एट द ऑपोजिट स्प्लिंडर पोल्स। इसमें क्या होता है, टेलोफेज में कैरियोकाइनेसिस जो होता है वो डिवाइड हो चुका है और न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड हो चुका होता है। देन आते हैं साइटोकाइनेसिस। यहाँ तक आपको पता चल गया है कि सबसे पहले आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। प्रोफेज में डीएनए सिर्फ और सिर्फ इंटरवाइंड होता है न्यूक्लियस में और कुछ नहीं होता है। सेकेंड में होता है वो डीएनए एक दूसरे ऑपोजिट पोल्स की तरफ खींचे चले जाते हैं। एनाफेज में होता है क्रोमोसोम होते हैं वो पोल्स के ऊपर अरेंज हो जाते हैं और लास्ट में टेलोफेज में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस यानी कि क्रोमोसोम न्यूक्लियस वो डिवाइड हो चुके होते हैं। पर साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होने के बाद ही सेल डिवीजन हमारा कंप्लीट होगा। तो साइटोकाइनेसिस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।